टाइगर श्रॉफ की लेटेस्ट फिल्म मुन्ना माइकल जो अक्रॉस इंडिया 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी फ्राइडे को, इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर कलेक्ट कर लिए हैं 6.65 करोड़। ये डांस ड्रामा स्टार करती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी और डेब्यूटेंट निधि अग्रवाल को भी। बॉक्स ऑफिस इंडिया रिपोर्ट यही बताती हैं कि मुन्ना माइकल का कलेक्शन थोड़ा सा बेटर रहा था टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट से, जो कि लास्ट ईयर की रिलीज थी। मुन्ना माइकल को भी डायरेक्ट किया है शब्बीर खान ने, जिसने टाइगर श्रॉफ को हीरो पंती और बागी में भी डायरेक्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।